ये मेरी क्यूट सी भाभी आ गई। हेलो करो आयशा, जल्दी से बोलो। ये आपने क्या किया भाई? आयशा अपना साइकिल चला रही है और ध्यान गैस स्लाइड करनी। जल्दी करो ध्यान स्लाइड आराम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। बड़ी मुश्किलात का सामना करते हुए मैं आज व्लॉग शहरी में स्टार्ट करूँ। मैंने कहा नहीं, आज लाजमी शहरी पर ही व्लॉग स्टार्ट करूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हो गए थे, शहरी पर व्लॉग स्टार्ट नहीं हो रहा था। और मेरा अभी तक लैपटॉप ऐसे ही पड़ा हुआ, मैं एडिट वगैरह कर रहा था तो मैंने अभी तक बैग में नहीं रखा इसको, तो मैं ऐसे ही रख के सो चुका था। शहरी में व्लॉग फाइनली आज स्टार्ट हो गया। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और करें शोभी साइड व्लॉग एंजॉय। इतना टाइम नहीं है तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी सबसे पहले करना मुझे फेस वॉश, फिर उसके बाद सैरी पर बैठना है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा बाकी है। सैरी आ चुकी है। सैरी में पराठा और साथ दही, मैं लाइट से ही खाता हूँ बस। सैरी वगैरह करके फारिग हो चुका हूँ और अब बाकी है सिर्फ 8 मिनट बाकी अजान होने में, तो जैसे ही अजान होती है नियत करता हूँ और फिर उसके बाद नमाज पढ़ने जाऊँगा। नमाज पढ़ के फारिग हो चुका हूँ और इधर मेरा लैपटॉप रखा हुआ है। मुझे बनाना था थंबनेल वीडियो अपलोड करने के लिए, लेकिन अभी नींद काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रही तो इसीलिए मैंने कहा सुबह उठूँगा थंबनेल बना लूँगा और वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग हो चुकी है भाई आज इतनी जल्दी, क्योंकि मुझे करना था वीडियो अपलोड और थंबनेल वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। आप लोगों को शहरी में तो पता है मैं सो चुका था, लैपटॉप अभी तक मेरा वैसे ही पड़ा हुआ है। और मैं आप लोगों को टाइम दिखाता हूँ आज मेरी कितनी जल्दी मॉर्निंग हुई है। टाइम हो रहा है 11, अब मुझे जल्दी से अपना लैपटॉप में बैठना है, थंबनेल बनाना और वीडियो को अपलोड करना है। मुझे करना था वीडियो अपलोड लेकिन लाइट चली गई है, अब वीडियो अपलोड नहीं कर सकता और ना ही थंबनेल बना सकता हूँ। ये देखिए लाइट नहीं, लाइट जा चुकी है। तो अब मैं जा रहा हूँ उमर को देखने, क्योंकि उमर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने कहा चलो लाइट चले गई है तो उधर ही चले जाता हूँ उमर के घर, उसको देखकर आ जाता हूँ, फिर उसके बाद आकर थंबनेल भी बना लूँगा और वीडियो भी अपलोड कर लूँगा जैसे मुझे सही लगा, क्योंकि मुझे अभी कुछ काम भी है इस वजह से। तो अभी सबसे पहले मैं जा रहा हूँ उमर से मिलने क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। मैं नहीं लेकर जा रहा हूँ सिस्टर को, नहीं मुझे भी जाना। जयान आकर मामू पास बैठा हुआ है और उमर जो है वो अपनी मामा के पास है, वो बिल्कुल नहीं आ रहा क्योंकि उसके हाथ में ना कनोला लगा हुआ है तो उसको काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, इस वजह से वो अभी मेरे पास आ रहा नहीं है। तो मैंने कहा चलो वो जब आएगा फिर मैं उसको दिखा दूँगा। अभी आयशा आ रही है, आयशा बाहर खेल रही थी, अभी मुझे देखिए क्योंकि मैं अभी सिस्टर के रूम में आके बैठा हूँ और मेरे साथ जयान बैठा हुआ है। अभी आयशा आ रही तो आप लोगों को आयशा से भी मिलवाता हूँ। ये मेरी क्यूट सी भाभी आ गई, हेलो करो आयशा जल्दी से बोलो। ये आपने क्या किया हुआ, साइकिल कहाँ रखा हुआ आपने? पूरा हेयर कॉमिंग नहीं किया आपने? रुक जाओ ना, क्या कर लूँ, कहाँ जा रही है आयशा? कॉमिंग करने जा रही हो? आयशा को कॉमिंग आती है। आयशा इधर आओ, अच्छा इधर आओ, मामू पास आओ, मामू पास आओ। आयशा की स्कूल की छुट्टी पड़ी हुई है तभी ये घर पे। आयशा इधर आओ ना, मामू पास आइए। एक कंघी लेकर आइए अपने कॉमिंग करने के लिए। कौन करेगा कॉमिंग? मामा करेंगे, मामू थोड़ी ना करेंगे कॉमिंग। मामू नहीं करेंगे कॉमिंग। अच्छा उमर भाई का है, उमर भाई का है, उमर भाई, उमर तो दवा लदा है। दवा नहीं लदा है, उमर कहाँ है ये बताओ, बाहर है? चलो अभी मामू उसको लेकर आते हैं। ए आयशा अपना साइकिल चला रही है और ध्यान गैस स्लाइड करनी। जल्दी करो ध्यान स्लाइड आराम से। आयशा मामू के पाँव में नहीं मार देना। आगे देखो, आगे देखो, ये वाह बच्चा। अच्छा अच्छा मामू पाई, अच्छा मामू पाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं नहीं साइकिल आप नहीं चलाओ, आप नहीं चलाओ, आप गिर जाओगे। 1 2 3 ध्यान, जल्दी 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 ध्यान, आराम से आराम से आराम से आराम से ध्यान, गिर नहीं जाए।
बस 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 चलो हम लोग उमर भाई को बाहर से लेकर। अभी मैं उमर के पास बैठा हूँ, ये बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आ रहा था, अपनी मामा के पास से ना किसी के पास नहीं जा रहा, और अभी ये इधर मेरे पास सो रहा है और इसकी मामा बाहर गई है। मैंने कहा मेरे पास ले जा दे, मैं इसको थोड़ा सा प्यार भी कर लूँगा, फिर मुझे घर भी जाना है, वीडियो वगैरह भी अपलोड करनी है, पूरा रूम अंधेरा हो रहा है ना, तो मैं इसको नहीं दिखा सकता क्योंकि कैमरे का टॉर्च ऑन है और इसके फेस में लगेगा तो ये उठ जाएगा। इसके हाथ में ये कनूला लगा हुआ है, थोड़ा तीन चार दिन से काफ़ी ज़्यादा ये बीमार है, तो अल्लाह पाक इसको सेहत दे। अभी मैं इसको जल्दी से प्यार करता हूँ, इसके बाद मैं घर निकलूँगा। ये मेरा शहजादा सो रहा है, ज़रा मैं इसको एक अच्छे से पप्पी कर दूँ क्योंकि मैंने इसको प्यार नहीं किया। उठ नहीं जाए, ज़्यादा तेज़ लाइट है ना मोबाइल की तो ये उठ जाएगा। मैं सिस्टर को बोलता हूँ कि मैं जा रहा हूँ क्योंकि लेट हो गया, मुझे भी सबसे पहले जाके वीडियो अपलोड करना, लाइट भी आ चुकी होगी। सिस्टर को बोलता हूँ कि वो उमर के पास आकर बैठ जाए, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया मुझे आते आते। अब मुझे सबसे पहले व्लॉग अपलोड करना, मुझे सिर्फ व्लॉग का टेंशन लगा हुआ है, अभी तक मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। तो मैं जल्दी से लैपटॉप निकालता हूँ, थंबनेल बनाता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। फाइनली थंबनेल बना चुका हूँ, ये रहा थंबनेल। अब मुझे थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सही है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया थंबनेल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है मुझे बनाने में, मुश्किल नहीं मुझे आता है बनाना, बट दिल नहीं करता एक बनाने का थंबनेल खास तौर पे। वीडियो एडिट जितने देर बोले मैं कर लूँगा, लेकिन थंबनेल मुझसे बनाया नहीं जाता, ये बड़े मुश्किल से अभी बनाया, बनकर रेडी हो चुका है। अब जल्दी से मैं YouTube खोलता हूँ और YouTube खोल के अपनी वीडियो को अपलोड करता हूँ। सारी सेटिंग हो चुकी है, इसको अब मैं करता हूँ जल्दी से पब्लिक, और ये हो गया पब्लिश। आप लोग जाके लाजमी ये वाला व्लॉग देख लेना, और काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, अजान भी हो चुकी है असर की। अब मैं जल्दी से अपना लैपटॉप ऑफ करता हूँ और असर की नमाज़ पढ़ने जाता हूँ क्योंकि लेट हो गया मुझे। अब जल्दी जल्दी इसको मैं ऑफ़ करूँ और फिर नमाज़ पढ़ के आप लोगों से फिर मिलता हूँ। नमाज़ पढ़कर आ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ शरबत बनाने। आज मैं अपने हाथ से शरबत बनाऊँगा तरबूज का, बहुत का मतलब बहुत ही अच्छा बनता है। कल भी व्लॉग में मैंने दिखाया था, लेकिन बनाते हुए नहीं दिखाया था, सिर्फ शरबत दिखाया था कि किस तरीके से होता, बहुत ऐसा होता है ना, ऐसा है कि बंदा पिए और बिल्कुल मुँह से हटाने का दिल ही नहीं करता वो तरबूज का शरबत। अभी मैं जा रहा हूँ वो बनाने, तो चलते मैं आप लोगों को बताता हूँ वो कैसे बनता है। तरबूज आ चुका है, इसके बड़े बड़े पीसीज हुए हैं, इसको बिल्कुल ना इतना छोटा छोटा पीस करना है, तो अभी मैं जल्दी से इसको छोटा छोटा पीस करता हूँ फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने ये छोटे छोटे पीसेस कर चुका हूँ, अब मैं और आप लोगों को बताता हूँ कि इसको किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले इसमें चीनी डालना होता है, मैंने पहले से चीनी इसमें मेल्ट कर दिया, और अब मैं इसमें डालना हूँ रूह अफ़ज़ा। आप लोग अपने हिसाब से डाल लेना चीनी जितना आप लोग यूज़ करते हो। ये फुल रेड हो चुका है, अब मैं इसमें जल्दी से बर्फ़ के पीसीस करूँगा छोटे छोटे, फिर डालूँगा। ये देखिए ये बर्फ़ के पीसीस सारे मैं इसमें डाल रहा हूँ। अब इसमें जो है ना, इसमें फिर से इसको मैं दोबारा रूह अफ़ज़ा डाल के, बर्फ़ वगैरह डल चुका है, ये देखें कितने अच्छे से दिख रहा है। और ये तरबूज है, अब इसमें मैं तरबूज डाल रहा हूँ बर्फ़ के, बिल्कुल छोटे छोटे पीस करके मैंने इसके अंदर फुल लोड कर दिया था, और ये पूरा तरबूज डल चुका है, ये देखें। ये फुल रेडी हो गया, पीने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन क्या इफ्तारी करने के वक्त पीऊँगा, फुल रेडी हो चुका है। तरबूज का शरबत बन गया काफ़ी अच्छे से, आप लोग भी एक बार लाजमी ट्राई करना, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और आज जो इफ्तारी में बन रहा है वो पूड़ी है, खीर है और गोश्त वगैरह है। आप लोगों को पता है मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि रमज़ान में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाते, किसी दिन बिरयानी तो किसी दिन क्या, किसी दिन क्या। आज जो बना, आज बड़े यूनिक चीज़ बना है, खीर और पूड़ी मेरा फेवरेट है। तो अब मैं जा रहा हूँ सबसे पहले वज़ू बनाने, वज़ू बना कर आता हूँ फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ।
कुछ ज़्यादा ही खा लिया। अभी मैं इधर वॉक कर रहा हूँ शाम में, आप लोगों को पता है फ्रंट से हवा इतनी अच्छी आती है मेरे घर में, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लूँ, क्योंकि पेट जो है ना वो फुल लोड हो रहा है। खीर और पूड़ी मेरा फेवरेट था और मैंने मंड के खाया अफ्तारी, तो अभी थोड़ा सा वॉक करता हूँ इधर, फिर उसके बाद रूम में जाऊँगा। मैं अभी रूम में लेटा हुआ था और ये मेरा छोटा गुड्डू आ चुका है इफ्तारी करने के बाद मामू से मिलने आया। ये मेरा छोटू तो अली ये बिल्कुल मेरा क्यूट रोता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोता, बिल्कुल चुप। चले मामू पास, नानू पास चले, नानी पास चले खेलने। हाँ बाबा चले, चलो नानी पास चलते, इसको मैं बाबा पास ले कर जा रहा हूँ। क्या बोल रहे नाना, क्या बोल रहे नानू, नानू क्या बोल रहे, मस्ती करते हो, क्या बोल रहे नानू, हाँ क्या बोल रहे नानू, आवाज़ दे नानू को, जल्दी आवाज़ दिए, आवाज़ दिए नानू को। हसन अली बाबा के साथ खेल रहा है और मैं आ चुका हूँ रूम में क्योंकि मुझे काम है। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्त है, बिल्कुल मस्त है। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।